मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं गूगल मैप के कुछ बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार टिप्स और ट्रिक्स, जिनका यूज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। हम अक्सर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं जब हमें कहीं जाना होता है तो हम सिर्फ उसकी दूरी का पता करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसी शॉप पर जाना हो, किसी दुकान पर जाना हो तो हम उसका पता करते हैं। लेकिन अब गूगल मैप बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और अब इसमें जो फीचर्स आए हैं वो बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाले हैं। ये दोस्तों आप लोग ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको ये डबल कैप जैसा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ इस मैप के जो है अलग अलग ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन पर आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिख रहा है डिफ़ॉल्ट जो अभी सेट है। आप यहाँ सैटेलाइट मोड में भी आ सकते हैं। ये देखिए अब आपका मैप जो है ये सैटेलाइट मोड में आ गया है। और इसके बाद आप टेरेंस भी कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांजिट भी देख सकते हैं जहाँ पर जो भी पब्लिक ट्रांजिट होते होंगे, और आप अब जो है यहाँ ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ ट्रैफिक जो है चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जूम करना होगा मैप को, आपको पर्टिकुलर एरियाज़ में जाना होगा, और इसके बाद जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो अब जो है आपको ये यहाँ से देखिए ट्रैफिक बताना भी शुरू करेगा। अब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर्टिकुलर देख सकते हैं, ये जो भी आपको ग्रीन लाइन दिख रही है इट मीन्स यहाँ ट्रैफिक जो है बहुत अच्छा है और बिल्कुल खाली है। ये जितने भी आपको येलोइश टाइप का जो दिख रहा है यहाँ मीडियम ट्रैफिक है, और जहाँ भी आपको दोस्तों जो रेड लाइंस दिखेंगी वो रेड लाइंस जो है आपको बताएंगी कि ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से है कि आपको जो है जाने से वहाँ बचना चाहिए, तो जो है आपको कोई भी समस्या वहाँ पर नहीं आएगी। अभी दोस्तों हम आपको और बताते हैं इसके और भी सारे फीचर्स। इसमें ट्रैफिक में जो न्यू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे जो आपको एक ये माइनस का रेड साइन दिख रहा होगा, ये देखिए मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो तीन चार जगह आप देख पा रहे हैं ये जो मार्क का साइन है, एक्चुअल में दोस्तों ये क्या है, ये बताता है कि जिस रोड पर आप जा रहे हैं उस रोड पर जो है कंस्ट्रक्शन का, उस रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस रोड पर काम चल रहा है, और कोई ना कोई उसके बगल से ऐसा जो है कच्चा, या हम कह सकते हैं एक टेम्परेरी बाईपास टाइप का बना रखा होगा। देखिए मैं आपको इस पर जूम करता हूँ, अब आप देखेंगे ये देखिए ये जो डॉट 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 रेड डॉट दिख रही हैं आपको, ये शो करता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये कुछ काम चल रहा है, और यहाँ पर इसीलिए ये बाईपास टाइप का बना दिया गया है जिससे कि आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है जब आप कभी लंबे टूर पर जाते हैं और आप हाईवेज चेक करते हैं, और आप जब हाईवेज को देखते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अलग से एक जो कच्ची रोड बना दी जाती है दोस्तों उसको भी जो है आप यहाँ पर इजीली देखकर मैनेज कर सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ जाना होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा जो है एडवांसमेंट आया है गूगल मैप में। आप गूगल मैप को 3D के व्यू से भी देख सकते हैं और स्ट्रीट व्यू से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ कुछ और इसकी बहुत अच्छे फीचर्स बताना चाहूँगा। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ से हम क्लिक करके हमारे ही डिवाइस की लोकेशन को लेते हैं, और इसके नीचे जो आपको डायरेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है ये क्या काम आता है, ये काम आप सभी लोगों को करना आता है। आप सभी लोग यहाँ ईजिली लिख देते हैं कि हमें भोपाल से जाना है और मुंबई जाना है, तो हम यहाँ पर मुंबई लिख देते हैं, तो ये डायरेक्शन और दूरी और ये सब कुछ ये देखिए फाइंड करके बता देता है। ये 776 किलोमीटर है, इतनी देर में आप जा सकते हैं, और ये जो है यहाँ पर ये आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पार्किंग का ऑप्शन भी वो कर रखा है, तो यहाँ पार्किंग का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये यहाँ से जो जाने का डिस्टेंस बताया गया है, तो आपको जितने भी पॉसिबल रूट्स होते हैं वो पॉसिबल रूट्स बताए जाते हैं, और गूगल आपको सबसे पहले जो पॉसिबल रूट बताता है वो बताता है जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होता है। इसके अलावा भी ऑप्शन में काफ़ी सारे रूट होते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप जितने भी ये शॉर्ट रूट में देखेंगे जाने के लिए
तो वहाँ पर जो है एक सिल्वर कलर की लाइन आती है, तो वहाँ से भी आप जो है अलग से उस रूट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे कि आप ये यहाँ माइनस साइन देख रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर कहीं पर जो है कंस्ट्रक्शन का, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बाइक से जाने का समय है, ये यहाँ ट्रेन, अगर कोई ट्रेन अवेलेबल होगी तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ट्रेन और बसेस भी दिखा देंगे आपको। ये पैदल जाने का रूट है, ये पैदल जाने का रूट दिखा दिया है आपको। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको तीन डॉट दिख रही हैं ऊपर, जहाँ पे हम ये दोनों पर्टिकुलर इसको सर्च करते हैं, यहाँ जाने के बाद दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमें जो पहला सेटिंग देखना है वो देखना है सर्च अलोंग रूट। सर्च अलोंग रूट पर आप जाएंगे तो यहाँ एक तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ मुझे पता करना है कि रास्ते में कितने पेट्रोल पंप हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, एटीएम कहाँ हैं, ये सब आप पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप लिखने के बाद दोस्तों जो है आपको ये अब भोपाल से इंदौर जाते वक्त जितने भी पेट्रोल पंप आपको दिखेंगे, ये सभी पेट्रोल पंप आपको दिखाए जाएंगे, और पेट्रोल पंप पे जाने का रास्ता भी आपको दिखाया जाएगा कि आप जो है पेट्रोल पंप पर किस तरीके से वहाँ तक जो है जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है सर्च अलोंग रूट। आप अलोंग रूट में जाके भी जो है पता कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो हमारा जो एरिया है यहाँ से आप चलकर जाएंगे तो आपको अभी यहाँ ये भी दिखा रहा है कि कोई टोल नहीं है लगेगा, यहाँ भी कोई टोल नहीं है, यहाँ भी कोई टोल नहीं है। ये जो बहुत ज़्यादा रेड लाइंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये येलो यहाँ थोड़ा कम ट्रैफिक है, और ये आपको प्रॉपर पेट्रोल पंप तक जाने का रास्ता भी दिखाएगा, और इसके बाद आपको जाना है इंदौर, तो इंदौर जाने का रास्ता भी ये आपको यहाँ से ईजिली दिखाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, आप इसमें जाके जो है ये देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से ये क्लोज करना है। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आता है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अभी जब हम यहाँ पर सर्च कर रहे थे डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस सर्च करते वक्त जो है यहाँ हम लिख देते हैं स्टार्टिंग में भोपाल, और चूज डेस्टिनेशन में लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं इंदौर। तो यहाँ आने के बाद जो है दोस्तों, आप मान लीजिए यहाँ चलकर जा रहे हैं ट्रेन से, बस से, बाइक से, जो भी, और आप अपने किसी परिजन को आप ये बता सकते हैं कि आप उसे अपनी लोकेशन सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पर भी लोकेशन इजीली जो है शेयर हो जाती है, उसी तरीके से आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ शेयर करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, आपके मोबाइल की पर्टिकुलर बैटरी, आपके मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन ये दिखाएगा। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर शेयर योर लोकेशन पर जा रहा हूँ। ये देखिए, शेयर योर लोकेशन करने के बाद मैं जिसको भी लोकेशन शेयर करना चाहूँ, आइदर आप मैसेजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, वो कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम आ रहा है, ये मेरी लोकेशन जा रही है, ये मेरे मोबाइल की बैटरी है। तो इतना कुछ सब जो है दोस्तों यहाँ से हम लोकेशन शेयर में भी जिसको शेयर करना चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है 3 घंटे 35 मिनट में हम इंदौर से भोपाल पहुँच जाएंगे। नीचे लिखा है टोल्स 1, मतलब कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा आते हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक्यूरेट आपको टोल बताएगा कहाँ कहाँ भोपाल से लेकर इंदौर तक जो है आपका टोल कटना है, उतने टोल्स एरिया भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आया है गूगल मैप में। नेक्स्ट, ये आपको जो मेरी फ़ोटो दिख रही है यहाँ पर जाना है, यहाँ से सेटिंग्स पर आएंगे हम। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों लिखा है टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, आप जो भी मैपिंग करेंगे, जितनी भी सर्चिंग करेंगे, जो भी देखेंगे, उसका कोई रिकॉर्ड रखेगा नहीं, गूगल ऐसा कहता है, इसलिए यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड आया है। आप प्रोफाइल देख सकते हैं, टाइमलाइन देख सकते हैं, लोकेशन शेयरिंग हमने सीखी ली है। नेक्स्ट जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन फीचर है दोस्तों यहाँ, ये है ऑफलाइन मैप का। देखिए हम क्लिक करते हैं, यहाँ आ रहा है आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है ऑफलाइन मैप का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आप जो है मध्य प्रदेश से दिल्ली तक जा रहे हैं, या आप मध्य प्रदेश से हिमाचल तक जा रहे हैं, और आपको मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक का रास्ता पता है, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली चंडीगढ़ के बाद जो है हिमाचल जाने में कोई समस्या आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ये भी लगता है
कि वहाँ पर हो सकता है हमारे नेटवर्क ना मिलें, हमारे सिग्नल्स जो है बंद हो जाए, नेट चलना बंद हो जाए, वहाँ कोई डेटा की प्रॉब्लम आ जाए। तो आप ऐसी कंडीशन में ये देखिए, न्यू दिल्ली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और न्यू दिल्ली से लेके हिमाचल तक का आपको दिख रहा होगा ये, मैं नीचे लिखा आ जाएगा। अभी देखिए 900 MB का ये गूगल डेटा है, मतलब कि ये क्योंकि इतना बड़ा आप इसको कर रहे हैं, इतने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको और जूम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चंडीगढ़ तक आ गया हूँ और चंडीगढ़ आने के बाद पालमपुर और इसके बाद जब मैं हिमाचल जाऊँगा तो ये मैंने मान लीजिए इतना ऑप्शन कर लिया है। अब ये 200 MB का डेटा आपका लेगा और ये इतना गूगल मैप जो है ऑफलाइन डाउनलोड होने वाला है। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? इसका फ़ायदा होगा जैसे ही आपके नेटवर्क चले जाएंगे, आपकी सिम काम नहीं करेगी और आपको गूगल मैप की ज़रूरत है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तब उस समय आप इस ऑफलाइन मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑफलाइन मैप भी उतने ही फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है जितने फीचर्स ऑनलाइन मैप कराता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जोड़ा गया है जिसमें आप ऑफलाइन मैप का यूज़ करके जो है अपने सफ़र को अच्छा बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं और आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन है, आप ये देख रहे होंगे ये जो काफ़ी सारे आप होटल देख सकते हैं, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, ATM, हॉस्पिटल्स, इसमें मोर ऑप्शन में जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो हमने महसूस किया है, यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों पार्किंग लिखा आ रहा है, सर्विसिंग में फूड शेल्टर्स, ड्राई क्लीनिंग, पेट्रोल पंप, होटल्स, ATMs, कार आयर, कार रिपेयर, कार वॉश, केमिस्ट, पार्किंग। ये पार्किंग हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर देखिए ये इतने ज़्यादा ये पार्किंग के स्लॉट आ गए हैं और आप यहाँ पर जो है इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गैरेज है और कौन सा पार्किंग का लॉट है, कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, कितना दूर है। ये सभी आप जो है यहाँ से इजीली इस लिस्ट में, व्यू लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से देख सकते हैं और ये पार्किंग के ऑप्शन आ गए हैं। अब जब हम कभी ऐसी अनजान जगह जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि पार्किंग को ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तो आप अपने गूगल मैप में लोकेशन को ऑन कीजिए और आसपास आप जो है पार्किंग को भी वहाँ से इजीली देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप कार रिपेयर, आपकी कार ख़राब हो गई है तो आप कार रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे कार रिपेयर वाले ऑप्शंस भी आ गए हैं, आप इजीली यहाँ से कार रिपेयर वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे काफ़ी सारे इसके फ़ायदे, गूगल मैप को किस तरीके से एडवांसली यूज़ किया जाता है ये मैंने इस वीडियो में बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।